हुकूमत में आपसे कोई भूखा नहीं रहा, उस हुकूमत में कोई बगैर लिबास के नहीं रहा, उस हुकूमत में बगैर कोई बरैना नहीं रहा, और उसके बावजूद भी आप अपने कांधों पे गरीबों का हक लेके रात के सन्नाटे में उनके दरवाजे तक जाते थे और खुद मौला भी वो उनका घरों तक आया। उसके बावजूद भी नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज़ खबर फरुखाबाद की दुनिया तक। 26 फरवरी को जुलूस मौला अली से गुलजार होगा फरुखाबाद। जुलूस बारासिया मस्जिद से निकलकर पहुंचेगा रकावगंज हज़रत अब्बास की दरगाह पर। दीवाने मौला अली ने आज किया पत्रकारों के सामने जुलूस का आगाज। तो दोस्तों, खबर जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज़। फरुखाबाद घेर शामू खां में आफ्ताब हुसैन के दौलत खाने पर जुलूस हज़रत अली अलैहिस्सलाम की बावत प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें सभी कलमकारों की जानिब से इस खबर को खास किया गया कि हर साल की तरह इस साल भी 13 रजब 26 फरवरी को जुलूस मौला अली अपने रिवायती अंदाज में अपनी पूरी शानो शौकत व अदबो अदा व कोरोना महामारी को ध्यान में रखकर शाम 5 बजे लाल दरवाजे में बारासिया मस्जिद में शुरू होकर शहर के खास रास्तों जैसे घुमना चौक, पक्का पुल, तिकोना होते हुए रकावगंज में हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम पर वज़्मे मक्सिदा में बदल जाएगा, जिसमें तमाम शोरा इकराम अपने कलाम से लोगों को महदूद करेंगे। वहीं आफ्ताब हुसैन ने बताया कि प्रशासन ने इजाज़त दे दी है, लेकिन कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए इस बार सिर्फ 3 ही गाड़ियां और 5 घोड़े व परचम इश्तिहार वगैरह वगैरह जुलूस में 2 गज की दूरी का खास ख्याल रखा जाएगा। वहीं सुनहरी मस्जिद में सेक्रेटरी मुमताज हुसैन ने यूपी 76 न्यूज को बताया कि ये दिन ईद से भी बढ़कर खुशी मनाने वाला दिन है, क्योंकि हजरत अली की विलादत अल्लाह के घर खानाए काबा में। वहीं मौलाना फरहत अली जैदी ने कहा, इस जुलूस की खासियत यह है कि यह जुलूस अनेकता में एकता का परिचायक है। जुलूस में सभी मजहबों के गुरु साथ रहते हैं, सभी ने अपनी अपनी बात रखी। वहीं ये भी बताया गया कि सबसे पहले मौला अली ने ही कहा था कि सबका साथ सबका विकास, तभी समाज में समानता आएगी। इसी से सबक लेकर आज हमारे प्रधानमंत्री भी अपने देश को विश्वगुरु बना रहे हैं। शिरकत करने वाले लोगों के नाम कुछ इस तरह हैं: जावेद हुसैन, कमर हैदर, इंतज़ार हुसैन, सैफ अब्दी, मोहसिन काजमी, इब्राहिम, अच्छी आफ्ताब आब्दी, नफीस हुसैन, परवेज हुसैन, मुंतज़िर हुसैन, अंबार जैदी लोग मौजूद रहे। तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसी खबर पाने के लिए। और एक बार मैं फिर आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज़। फिर मिलते हैं कहीं किसी और वीडियो में किसी और समस्या को लेकर किसी और खबर के साथ। तब तक के लिए मैं आपका दोस्त इरशाद अली, जय हिंद। आइए देखते हैं आगे की खबर। सबसे पहले रास्ता दिया जाएगा, एम्बुलेंस आ रही है उसको पहले रास्ता दिया जाएगा, ये सारी जिम्मेदारी हम लोग खुद निभा। और जो चौराहे होते हैं, चूंकि जाम वहीं पे लगता है, तो हमारी कोशिश ये है कि हम दूसरे लोगों को भी ऐसा पैगाम दें, तो चौराहे से आगे हमारा जुलूस रुकेगा ताकि 3 रास्ते हमारे खाली रहे जिससे जाम वगैरह की स्थिति ना आए। कोविड-19 कुछ असर दिखाई देगा इस बार भी? हाँ, असर तो है, लेकिन हमारा भी बुजुर्गों को मैसेज दे दिया कि जो भी बुजुर्ग वगैरह हैं वो अपने मास्क के साथ जाएं और मास्क वगैरह लगाएं और एहतियात करना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये मौला अली का जुलूस है ताकि दुनिया को लगे कि मौला अली से जो लोग मोहब्बत करते हैं वो अमल की जिंदगी में भी दुनिया के सामने पेश करें। 26 फरवरी को होगा ये? जी, 26 फरवरी को। कहाँ से कहाँ ये वारसिया मस्जिद से उठेगा और जगह जगह पे जैसे घूमना पे कुछ लोगों का सम्मान होगा, चौक पे होगा, पक्के पुल पे तकरीर होगी और टाउन हॉल पे तकरीर होगी, उसके बाद दरगाह तरफ पास। नहीं, मेहमान इस बार कोरोना की वजह से कोई भी बात से हम नहीं बुला रहे।